हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम CBSE क्लास 10 12th का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है 22 सितंबर से, यानी कि अब एक से दो दिन बचे हैं। ठीक है, बहुत कम समय है, लेकिन मैंने एक चीज़ फील किया कि हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा इन दिनों, बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहे, गार्जियन, पेरेंट्स, एवरीबडी, लेकिन जितने हज़ारों बच्चों के कांटेक्ट में मैं हूँ, मैंने उनके में एक और चीज़ फील किया, वो था एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी, होप। कहीं ना कहीं उन सभी के अंदर में एक होप भी था कि वो इस दौर से निकलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। पर्सनली मैंने हज़ारों बच्चों से, मैंने उनके मेल्स को देखा है, मैंने मैसेजेस को देखा है, सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ उसको आप लोग माइंड नहीं करना क्योंकि इट वॉज नॉट क्वाइट नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉजिटिविटी के साथ में था कि चलो भाई, सारे बच्चे अभी पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसा हम सभी को पता है कि 22 को ही सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, 3 जजेस का बेंच, वो दोबारा बैठेगा और देखते हैं उस दिन क्या कुछ निकल करके आएगा। हालांकि बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड भी हैं क्योंकि उसी दिन से एग्ज़ाम शुरू है, लेकिन इस बीच में एक बहुत ही बड़ा फेरबदल हुआ है। और मैंने जब न्यूज़ पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया। उम्मीद है अभी तक आप लोग भी, शायद बहुतों को पता चल चुका होगा, शायद बहुतों को पता नहीं होगा, आसाम जो बोर्ड हैं उन्होंने क्लास 10th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। कैन यू बिलीव? अब आप सोचेंगे कैंसिल कर दिया मतलब वो पास हो गए? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया और साथ ही साथ में एक ऑर्डर भी जारी कर दिया कि उन सभी बच्चों को दोबारा से री एडमिशन लेना पड़ेगा क्लास 10th में फिर से। नाउ इमेजिन कि मतलब वो बच्चे फिर से एक साल दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा से उनके ऊपर में वही लोड होगा, वो जो ट्यूशन फीस है, उनके मंथली फीसेज होंगे, स्कूल चार्जेस होंगे, सारा कुछ उनको दोबारा से बेयर करना पड़ेगा। मतलब समझ से बाहर था। और इसके पीछे में जो लॉजिक है वो ये दिया गया कि वहाँ का सिचुएशन सही नहीं है। अब अगर इसका एक पार्ट देखा जाए तो अच्छा लगता है कि चलिए सिचुएशन सही नहीं था तो उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया, CBSE भी ऐसा कर सकता था। लेकिन दूसरा पार्ट वो समझ में नहीं आता जब वो कहते हैं कि री एडमिशन सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आया है, और अगर उसके बेसिस पे आप पूरे एक साल को आप रिपीट करवाते हो तो ये बहुत मतलब कंफ्यूजन का माहौल है। ठीक है, ये सही चीज़ नहीं है। 20,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ। सो इट्स अ ह्यूज मतलब लॉस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का एक साल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब आप उनका कहना है, बोर्ड का कहना है, आसाम बोर्ड का, कि पैंडेमिक जो सिचुएशन है उसके वजह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही नहीं सकते। ठीक है, माना कि वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स? व्हाट अबाउट वन ईयर विच नाउ दे हैव लॉस्ट? एक साल का क्या होगा जो उन्होंने खो दिया, पूरी तरह से खो दिया? अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि क्लास 12th वाले बच्चों का तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, मतलब वो कंपार्टमेंट दे भी नहीं सकते आसाम बोर्ड के अंदर में अगर हैं तो मतलब 12th का तो मामला ही ख़त्म था। जहां तक क्लास 10th वालों का, बच्चों का वेट कर रहे थे, वो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके कंपार्टमेंट्स के डेट निकलते हैं और वो फिर उसमें जा कर के बैठेंगे, जैसे कि CBSE वाले सारे बच्चे बैठने वाले हैं। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस आसाम बोर्ड ने क्या किया, पूरी तरह से उसे स्क्रैप कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो इट्स अ ह्यूज लॉस। मेरे ख्याल से आसाम बोर्ड को, आसाम मतलब उनको दोबारा से रीथिंक करना चाहिए इस पूरे चीज़ के ऊपर में, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फेयर डिसीजन। एक सब्जेक्ट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, जबकि स्पेशली जब पूरे देश के कोने कोने में मतलब बच्चे इतना ज़्यादा टेंस्ड हैं, एक एग्ज़ाम पार नहीं होता है कि दूसरे एग्ज़ाम को रोकने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए कुछ ना कुछ पेटिशन आ जाता है। जैसे कि अब फिलहाल एक माहौल चल रहा है UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, कि वो बच्चे भी कह रहे हैं कि इन एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन का माहौल है यहाँ पर पूरे चीज़ों में। अब यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि जब न्यू मार्किंग स्कीम को लागू किया गया था
ठीक है, आईसीएसई बोर्ड ने भी लागू किया, सीबीएसई बोर्ड ने भी लागू किया, ठीक है, ये दो बड़े बोर्ड्स हैं भारत में। अब जब इन्होंने न्यू मार्किंग स्कीम को लागू किया था, बेस्ट ऑफ थ्री, बेस्ट ऑफ टू, इंटरनल असेसमेंट, तो वो चीज़ें अभी क्यों नहीं दी जा सकती थी? एटलीस्ट बच्चों का एक साल बर्बाद होता और बच्चे ज़्यादा खुश होकर के मेरे ख्याल से आगे निकल पाते और आगे की तैयारी में जुट पाते। लेकिन किया क्या गया है कि पूरी तरह से एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। सीबीएसई की बात करें तो वहाँ क्या किया गया कि वहाँ एग्ज़ाम को ले लिया गया। क्या बच्चे अपना उतना 100% दे पाएंगे? 16 से भी ज़्यादा लोकसभा सदस्य जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कितने ही फिल्मी स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग, मतलब जो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में रहते होंगे एक आम आदमी की तुलना में, वो पॉजिटिव हो गए हैं, तो आपके और हमारी बात ही नहीं की जा सकती। सो इट्स अ ह्यूज फस। तो गाइस यहाँ पे ये बहुत अजीब माहौल है। आसाम बोर्ड ने जो फैसला लिया, मेरे ये सेल्फ ओपिनियन है कि ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। उनको भी दिया जा सकता था। मैं आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बात उठा रहा हूं और साथ ही साथ सीबीएसई वालों के लिए भी कि ये तीनों ही जो डिसीजंस हुए, एज पर एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। अगर मार्किंग स्कीम पहले लागू किया जा सकता था तो वो अभी भी लागू किया जा सकता है या किया जा सकता था इसमें भी अभी भी। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस कि क्या किया हमने कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है, सारे प्रिकॉशंस रखे जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है ये एक फेयर डिसीजन रहेगा। ये कहीं ना कहीं जो बच्चों से छूटेगा या मिस होगा या जो बच्चे कोविड पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, डर की वजह से जो माँ बाप नहीं भेजेंगे, कहीं ना कहीं उनके पूरे लाइफ लॉन्ग शायद एक कसक रह जाएगा कि हमारा एक साल बर्बाद हो गया या हम एग्ज़ाम लिखने नहीं गए थे, या अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो हम ज़्यादा बेटर खुल करके आ पाते, हमारे मार्क्स अच्छे आ पाते, बहुत सारी चीज़ें रहती। तो गाइस कल हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अभी निकल के आने का कोई चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि 22 को आप लोगों का हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। आइटम नंबर 13 है हमारा जो है केस नंबर, वो 13 है, ठीक है। तो वहाँ पे 13 नंबर पे हमारा लिस्ट किया गया है। अब देखते हैं उस दिन क्या निकल करके आता है, हु नोज, या फिर कह सकते हैं कि गॉड नोज। तो गाइज आप लोग से मुझे हमेशा से यही उम्मीद है, सभी बच्चों से, कि आप लोग जिस तरह से पॉजिटिविटी दिखाते आए हो इसी तरह से दिखाओ और बस किसी भी तरह से आप अपने इस जो भी एग्जाम्स आप लोगों के हैं आने वाले समय में आप लोगों से अच्छे से स्कोर कीजिए, ठीक है। हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे गाइज। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।